आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पूर्णिया के टाउन हॉल में जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर जिले के सभी पंचायती राज प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश और बिहार में जनसंख्या कानून जरूरी है, लेकिन पहले से चुनाव लड़ रहे दो से अधिक बच्चे वाले लोग अब भी चुनाव लड़ेंगे और 2021 के पंचायती चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं मंत्री ने दोहराया कि कोरोना और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चुनाव का निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा। वहीं अररिया के जैन धर्मशाला में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के सामने कई योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सांसद से लेकर पंचायत प्रतिनिधि गोलबंद हो गए। सांसद ने जिले में लाल फीताशाही का हवाला देते हुए अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगा डाला, तो मुखिया संघ के अध्यक्ष ने तो जिले में सरकारी योजनाओं में खुली लूट होने की बात कह डाली। वहीं मंत्री ने कहा कि अररिया में इसके लिए जांच करवाई जाएगी। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन मंत्री जी के इस कार्यक्रम में जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार ही मुद्दा बना रहा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ आशीर्वाद यात्रा पर निकले जमुई के सांसद चिराग पासवान शनिवार को पूर्णिया पहुंचे, जहां लोजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान ने पूर्णिया में बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबा साहेब और भोला पासवान शास्त्री के प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। उसके बाद लोजपा नेता ने स्वर्गीय अनिल उंगराव के घर पर जाकर परिजनों को सांत्वना दी। पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करता हूं। उनकी नीतियों ने बिहार को बर्बादी के कगार पर धकेलने का काम किया है। बाढ़ और सुखाड़ उसी में से एक है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी विरोध प्रदर्शन करने को तैयार है। 18 जुलाई को प्रखंड स्तर पर आरजेडी विरोध प्रदर्शन करेगी और 19 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बैलगाड़ी, साइकिल व गैस सिलेंडर लेकर आरजेडी प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पूर्णिया पहुंचे पूर्व सांसद विश्वमोहन सिंह ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। वहीं किशनगंज के जिला परिषद बंगले में पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में आरजेडी के द्वारा 18 जुलाई को प्रखंड स्तर पर और 19 जुलाई को जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बिहार मिर्चाईबारी स्थित एक निजी होटल के सभागार में आरजेडी जिला कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव सह जिला के संगठन प्रभारी डॉक्टर चक्रपाड़ी हिमांशु मौजूद रहे। इस बैठक में भी 18 एवं 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। अररिया में शनिवार की दोपहर से मौसम का मिजाज बदल गया और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन दूसरी ओर बारिश ने जिला प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। अररिया के विकास मार्केट में सड़क पर पानी भर जाने से स्थानीय दुकानदारों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी दुकानों के अंदर भी आने लगा। वहीं पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर गिरधर पंचायत के लक्ष्मीपुर मुशाहरी टोला में थनका गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। कटिहार के कदवा में एक तेज बवंडर देखने को मिला। चांदपुर गरिया गांव में मखाना के खेत के पास नदी में इस बवंडर के दृश्य को स्थानीय ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद किया। स्थानीय बताते हैं कि ये दृश्य लगभग 5 मिनट तक चलता रहा, हालांकि इसमें किसी के नुकसान की खबर नहीं आई है। मामले की किसी भी स्तर पर अब तक कोई प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंतर्गत पोखली से रसिया तक जाने वाली रोड पर एक राशन की दुकान में लगभग 1 से 1.25 लाख का सामान चोरी कर लिया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, जिस पर पोखली थाना में FIR दर्ज की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। किशनगंज पुलिस ने कुल 14 कांडों में शामिल एक अंतर्राज्यीय ग्रोह का पर्दाफाश किया है। जिले के कोचाधामन अंतर्गत बिशनपुर में विशेष चेकिंग के दौरान शुक्रवार को एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ा गया। वहीं दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी भागने में सफल हुए। पकड़े गए सभी अपराधी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि पिछले 6 महीनों में इनके ग्रुप ने किशनगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रेकी करके डिग्गी तोड़ने, चैन छीनने एवं झपट्टा मारने की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। साथ ही इन्होंने पूर्णिया, अररिया, कटिहार सहित बंगाल के गवालपोखर एवं पांजीपाड़ा क्षेत्रों में दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के चौपड़ा में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चौपड़ा ब्लॉक के सोनापुर ग्राम पंचायत के सुभाष पल्ली में शनिवार सुबह इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेज दिया। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। कटिहार शहर के कई वार्डों में लचर बिजली व्यवस्था को लेकर शनिवार को वार्ड नंबर 45 और 25 के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सड़क पर आगजनी और सड़क जाम कर लोगों ने बिजली विभाग को चेताते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। अररिया DM प्रशांत कुमार ने शनिवार को सैलाब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे अररिया के सिकटी अंतर्गत परड़िया, कठवा, सालगुड़ी, कचना गए। जिला पद अधिकारी ने नाव पर बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लिया और जल्द से जल्द नुना नदी से हो रहे कटाव स्थल पर कटाव रोधी कार्य करवाने का आश्वासन दिया है। पिछले दिनों मैं मीडिया पर सिकटी में नुना नदी से हो रही तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई गई थी, जो आप हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज पर देख सकते हैं। अररिया के जोकीहाट विधायक शाहनवाज ने शनिवार को घोरमारा वार्ड नंबर 1 में परमान नदी के कटान का निरीक्षण किया। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण विभाग के JE और SDO के साथ विधायक गांव पहुंचे, कटान का जायजा किया और बताया कि सोमवार से यहां भी कटाव रोधी कार्य शुरू हो जाएगा। अररिया के सिकटी थाना पुलिस ने 300 बोतल नेपाली शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एक युवक भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवकों के पास से 3 बोरी में बंद कुल 300 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई है। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और सिकटी थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शनिवार को किशनगंज जिला JDU कार्यालय में पार्टी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम को सम्मानित किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष नौशाद आलम ने की। मुजाहिद आलम ने कहा कि आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में JDU के प्रत्याशी को विजयी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे जिसे भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाए। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदिघी विधानसभा के रासाखोवा 2 ग्राम पंचायत के खुराका हाट में तृणमूल कांग्रेस की एक ज्वाइनिंग सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में 6 BJP नेता सहित करीब 600 लोगों ने BJP को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मौके पर करंदिघी विधायक गौतम पाल सहित रासाखोवा 2 पंचायत के प्रधान और भी कई तृणमूल नेता उपस्थित रहे। अररिया DM प्रशांत कुमार, CH एवं SP हृदयकांत द्वारा संयुक्त रूप से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बकरीद के अवसर पर तैयारियों के प्रखंड एवं थानावर गहन समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बकरीद के पर्व पर विधि व्यवस्था को लेकर सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक अविलंब आयोजित करें एवं संवेदनशील स्थलों की पहचान तथा पर्याप्त संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करें। उत्तर दिनाजपुर जिले में आबकारी विभाग की दालखोला शाखा ने भारी मात्रा में विदेशी नकली शराब व नकली शराब बनाने के उपकरण व फिलिंग मशीन बरामद की है। 4 पिकअप वैन को भी सीज कर दिया गया है। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में 3238 लीटर विदेशी शराब, 200 लीटर कच्ची स्प्रिट, 40 लीटर शराब बनाने का कच्चा माल और 1 शराब भरने की मशीन बरामद की गई। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं अमित सिंह, शेरशाह भारती, मेराज खान, JP मिश्रा, तहजीब तहसीन, सैयद शादाब, साजिद हुसैन और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। Twitter और Instagram पर आप हमसे @MainMediaHoon के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।